और पुलिस अधीक्षकों की 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। शुक्रवार को कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। पहले दिन गुरुवार को विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई। कॉन्फ्रेंस समाप्त होने के बाद सीएम साई ने बताया कि पिछली सरकार के मुकाबले हमारी सरकार में कानून व्यवस्था बेहतर है, सभी अधिकारी मन लगाकर काम कर रहे हैं। इसके लिए सीएम साई ने अधिकारियों की तारीफ भी की है। तो वहीं सीएम साई ने यह भी बताया कि प्रदेश के नक्सल प्रभावित इलाकों को लेकर भी कॉन्फ्रेंस में विशेष चर्चा की गई है और प्रदेश में नक्सलवाद के खात्मे के लिए केंद्र सरकार से भी पूरा सहयोग मिल रहा है और पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, हमारे जो आईजी हैं अपने रेंज स्तर और जो एसपी कलेक्टर हैं जिले में, जो स्थिति है वो पूरी बात बैठक में रखे हैं और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछले समय 8 महीने में जो अपराधों की जो सुस्थिति थी, जो परिदृश्य था, और आज हमारी सरकार में 8 महीने में जो अपराध के जो आंकड़े हैं उनमें अगर तुलना करें तो हमारी सरकार में अपराधों की संख्या काफ़ी कम है। अब बस्तर के विषय में तो सभी को मालूम है कि बस्तर के जो 5 जिले हैं संवेदनशील जिले हैं, जिसमें आपका दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर और कांकेर का कुछ हिस्सा है, जहां आज भी नक्सलवाद है, लेकिन लगातार 8-9 महीनों में जो हम लोग मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें डबल इंजन सरकार का भी हम लोग को लाभ मिल रहा है। सरगुजा दौरे के दौरान छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा। कथित कोल लेवी वसूली के मामले में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद सूर्यकांत तिवारी से भूपेश बघेल के मिलने जाने पर रामविचार नेताम ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल की कमजोर नसें जेल में बंद है, इसलिए वो वहां गए। कुछ बोलो, उनकी कमजोर नसें जो है जेल में बंद है। कुछ बके कुछ बोलो, उनकी कमजोर नसें जो है जेल में बंद है।